प्यारे बच्चों, मैं हूं विवेक त्रिपाठी और रचनाकारों की श्रृंखला में आज हम लोग बात करने वाले हैं ललित निबंधकार कुबेर नाथ राय के बारे में। तो आइए जानते हैं परीक्षा उपयोगी सभी महत्वपूर्ण तथ्य केवल 5 मिनट में। कि यह वीडियो बनाने में मुझे कम से कम 1 महीने का समय लग गया, उसकी 2 वजह हैं। पहला कि मेरी कुछ तबीयत खराब थी, और दूसरा कि वीडियो बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वह है प्रेरणा, मोटिवेशन, इंस्पिरेशन, और वह मुझे आपकी तरफ से चाहिए। मेरे वीडियोस को जिस तरह से आप पॉजिटिवली सपोर्ट कर रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इसे शेयर करें, साझा करें, ताकि और लोगों तक भी यह पहुंच सके, और वह मेरे लिए सबसे बड़ी प्रेरणादायक चीज़ होगी। तो मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप इन वीडियो को अगर पसंद करते हैं तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, ताकि आपको कंटेंट, बेस्ट कंटेंट मिलता रहे। मुझे अनगिनत मैसेज आते हैं कि मैं बहुत ही बढ़िया व्याख्यान देता हूं, जो मेरे लिए गर्व की बात है, और मैं इसे पॉजिटिवली लेकर के और बेहतर वीडियो बनाना चाहता हूं, परंतु आपके साथ के बगैर मुश्किल होगा। तो वीडियो साझा करें, चैनल सब्सक्राइब करें। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों, कुबेरनाथ राय का जन्म 1935 में माना जाता है, जो एक गलत डेट है। तो सही डेट क्या है? तो जन्म से जुड़े प्रमाण पत्रों द्वारा यह बताया जाता है कि इनका जन्म 1935 में हुआ, परंतु जब इन्हें भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा कामधेनु निबंध संग्रह के लिए पुरस्कृत किया जाता है, और कौन सा पुरस्कार? मूर्ति देवी पुरस्कार जब दिया जाता है, तो ये व्याख्यान देते हैं, और उस व्याख्यान में हमें बताते हैं कि इनका जन्म 1933 में होता है। तो जहाँ जहाँ भी 35 लिखा है यह गलत है, जो सही है 1933 में, और यह मैं विस्तृत शोध के बाद आपसे कह रहा हूँ। तो इनका जन्म 1933 में मत्सा ग्राम गाजीपुर उत्तर प्रदेश में होता है। अब ये एक ललित निबंधकार हैं, जो मैं आपको बता चुका हूँ। ललित का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में भी मैं आगे बात करूँगा, परंतु इन्होंने पूर्ण जीवन काल में जितनी भी रचनाएं लिखी, सब निबंध संग्रह लिखे, परंतु एकमात्र काव्य संग्रह इन्होंने लिखा है, जिसका नाम है कथामणि। आज तक पूछा नहीं गया, परंतु पूछा जा सकता है। तो भारतीय हिंदी साहित्य में ललित निबंधकारों की जो त्रिकोणी है, उसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी, कुबेरनाथ राय और विद्यानिवास मिश्र आते हैं। ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण, सर्वश्रेष्ठ हस्ताक्षर हैं ललित निबंध में। अब ललित निबंध होता क्या है, तो जो बच्चों को इसमें डाउट है, वह हजारी प्रसाद द्विवेदी का मेरा यह वीडियो आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। परंतु मैं फिर से बता देता हूं कि ललित निबंध वे होते हैं जिनमें लालित्य होता है। अब लालित्य किस बात का होता है? तो एक भाव पक्ष होता है, एक कला पक्ष होता है, और एक सौंदर्य पक्ष होता है। मतलब आप आमतौर के निबंध देखेंगे तो उसमें आपको विवरण मिलेगा, परंतु जब लोक जीवन, लोक संस्कृति, इनको मिला करके एक भाव प्रस्तुत किया जाएगा, जिसमें ज्ञानवर्धक बातें भी होंगी, वह मात्र एक हिस्सा रहेगा, एक कंप्लीट पूर्ण विवरण नहीं रहेगा। तो इस तरह के निबंधों को हम कहते हैं ललित निबंध। अगर एक लाइन में इसको परिभाषित करें तो ललित निबंधों में हमें विवरण का आधिक्य नहीं मिलता है, हमें भावों, कला पक्ष एवं ज्ञान का एक समन्वय प्राप्त होता है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। अब एक बार यह भी देख लेते हैं कि कुबेरनाथ राय ललित को किस प्रकार परिभाषित करते हैं, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी संवाद भी पूछ लिया जाता है। तो इन्होंने ललित का अर्थ हमें जिस प्रकार बताया है, वे कहते हैं कि ललित निबंध में जो ललित है वह शब्द मात्र एक विशेषण है, ठीक है, उपाधि है, अतः माया है। यह इनका संवाद या इनका डायलॉग है, आपको याद होना चाहिए। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि यह किसका संवाद है, और ललित निबंध को लेकर के आज तक एक भी प्रश्न नहीं पूछा गया है, तो पूछा जा सकता है। जैसे ब्रह्मा अपनी माया के साथ खिलवाड़ करता है फिर भी अपने स्वरूप को नहीं त्यागता, वैसे ललित निबंधकार भी ललित से खिलवाड़ करके भी निबंधत्व को नहीं त्यागता। जो मैंने आपको बताया था कि विवरण भी थोड़ा बहुत, ज्ञान भी थोड़ा बहुत मिश्रित रहता है। कहीं कहीं उसकी माया का प्रसार अधिक आकर्षक दिखाई देने लगता है, पर लेखक को उसके प्रलोभन में फंसे बिना उसके रहस्य को समझकर काम करना पड़ता है। ललित का मूल आधार ललित होता है, और इसी के माध्यम से इसको समझा जा सकता है। इन्होंने ललित के मूल तत्व क्या माने हैं, इसे भी देख लेते हैं। तो ललित निबंध की आकृति, निबंध, व्याख्यान, फैंटेसी जिसे हम अंग्रेजी में फैंटेसी कहते हैं, फीचर लेखन, व्यक्ति चित्रण, स्केच, रिपोर्टाज आदि कुछ भी हो सकता है। इन्होंने मूल तत्वों में ये सब एलिमेंट्स, ये सब तत्व माने हैं, और ललित को इन्होंने विशेषण के रूप में परिभाषित किया है। बढ़ते हैं आगे। अब कुबेरनाथ राय से हर साल एक प्रश्न पूछा जाता है जो उनके निबंध संग्रहों पर आधारित होता है, और इसमें से कौन से निबंध संग्रह इंपॉर्टेंट है? तो आंसर है सभी, क्योंकि इनसे और कोई प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। जो कुछ पूछा जाएगा वह पूछा जाएगा कि इनके निबंध संग्रहों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए, या इनका निबंध संग्रह कब प्रकाशित हुआ था, या कोई निबंध संग्रह दे देगा और पूछा जाएगा कि इसके लेखक कौन है। तो एक एक आपको याद होना चाहिए, परंतु बच्चों को नहीं याद होता, तो इस वीडियो में मैं पहली बार आपसे बहुत ही बेहतरीन ट्रिक साझा कर रहा हूं, और आपको बिल्कुल ही याद हो जाएगा, मेरी गारंटी है।
आइए एक बार गो थ्रू कर लेते हैं कि कौन कौन से निबंध संग्रह हैं। तो पहले आता 1969 में प्रिया नीलकंठी, फिर रस आखेटक, गंध मादन, निषाद बांसुरी, विषाद योग, पर्ण मुकुट, महाकवि की तर्जनी। और जो भी जिज्ञासु छात्र हैं वह यह डेट सब याद कर लें, जो भी डेट्स हैं इनके, क्योंकि इनमें से किसी के बारे में भी पूछा जा सकता है। फिर 80 में आता है पत्र मणिपुतुल के नाम, मन पवन की नौका, किरात नदी में चंद्रमधु 83 में आता है, 85 में दृष्टि अभिसार, 86 में त्रेता का बृहत मास, 90 में कामधेनु, फिर आता है मराल और उसी साल आता है उत्तर कुरु, फिर आता है 96 में चिन्मय भारत, अंधकार में अग्निशिखा, 96 में 98 में वाणी का क्षीर सागर और 2002 में रामायण महातीर्थम और 2005 में आगम की नाव। अब इसमें से कौन से इंपॉर्टेंट है, फिर से बोलूंगा मैं, सभी इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं इसको याद कैसे कर सकते हैं। आप एक कहानी सुनना मेरे से और यह कहानी आपको बार बार यह वीडियो को देखना है ताकि दोहराना है, ताकि आपको यह कहानी घुस जाए कि मैं क्या बता रहा हूँ, क्योंकि अगर मैंने आपको इसके तत्व भी बता दिए और आपको निबंध संग्रह नहीं याद हुआ तो ट्रिक का कोई यूज नहीं है। तो आपको कहानी के साथ साथ ये निबंध संग्रहों के नाम भी याद होने चाहिए। अब देखिए कहानी क्या है, जो इसका ट्रिक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है। तो होता क्या है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है प्रिया। ये सब झूठ मूठ की कहानी है सिर्फ याद कराने के लिए। मेरी गर्लफ्रेंड है जिसका नाम है प्रिया, परंतु वह नीलकंठी है। मतलब नीलकंठ यानी जहर भरा। जहर कैसा होता है, रस होता है, और जहर में क्या होता है, गंध होता है। और वह किससे बना है, निषाद विषाद पर्ण से। पर्ण का अर्थ क्या होता है, पत्ता, ठीक है, वह इन पत्तों से बना है। यह हो गई फर्स्ट कहानी, ठीक है। बढ़ते हैं दूसरी कहानी में। एक महाकवि होते हैं जो पत्र मणिपुतुल का लेकर के नौका से किरात नदी में जाते हैं और इनकी दृष्टि अभिसार और त्रेता जो कपल हैं उन पे, जो युगल हैं उन पे पड़ती है। अब ये युगल जो है वो काम यानी किस वगैरह कर रहे हैं, कपल हैं तो वही करेंगे और क्या करेंगे। उसके बाद ये महाकवि को क्रोध आ जाता है और वह इन्हें मार देते हैं। अब ये इनकी कोर्ट में पेशी होती है, कोर्ट कहता है कि उत्तर करो। तो ये कहते हैं कि चिन्मय भारत में यह अंधकार सागर की तरह फैला है। तो इनको सजा दी जाती है कि अपना रामायण लो, नाव उठाओ और घर चले जाओ। तो इस तरह से मैंने खुद इसे याद किया था। विश्वास करें मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट क्लियर किया था, परंतु मेरे कुछ अलग ध्येय थे, इस वजह से मैं नेट में अब परीक्षाएं नहीं देता हूं। परंतु इस तरीके से ही मैंने याद किया था और फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा नेट हुआ था। और यह मैंने कभी नहीं बताया। बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ट्रिक को बनाने के भी एक तरीके होते हैं कि उनको किस तरह से बनाया जाए ताकि वे मुझे याद रहें। अब प्रेमचंद के वीडियो में मैंने इसे प्रॉपर वे में डिस्कस किया है, व्याख्यान दिया, वहाँ आप जाके इसे आई बटन को क्लिक करके सुन सकते हैं, जहाँ मैंने यह समझाया है कि ट्रिक कैसे बनाई जाती है। तो वह भी वीडियो देखें और यह वीडियो को, और अपना भी ट्रिक बनाने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप मुझे ही फॉलो करें, मुझे ही माने कि जो मैं कह रहा हूँ सही है, आप अपनी ट्रिक भी खुद बना सकते हैं। आइए बढ़ते हैं आगे। अब इनको इनके निबंध संग्रहों के लिए जो मुख्य सम्मान दिए गए उसमें प्रिया नीलकंठी को आचार्य रामचंद्र शुक्ल सम्मान मिला, किरात नदी में चंद्र मधु के लिए आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार मिला, और मूर्ति देवी पुरस्कार जो मैंने आपको बताया भारतीय ज्ञानपीठ ने कामधेनु उन्हें पुरस्कृत किया, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। बच्चों कभी कभी निबंध संग्रहों में इसे भी पूछा जाता है कि इस निबंध संग्रह के या इस निबंध के कौन लेखक हैं। तो जो प्रमुख निबंध कुबेरनाथ राय ने लिखे हैं वे हैं रस आखेटक, दूसरा है आधुनिकता नई और पुरानी, तीसरा है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, चौथा है हरी हरी दूब और लाचार क्रोध, पांचवा है दृष्टि अभिषेक और छठवा है कवि तेरा मोर आ गया, ठीक है। ये निबंध है, प्रमुख है, बहुत कम चांस है कि पूछा जाएगा, परंतु किसी किसी एग्जाम में पीएससी में यह पूछा गया है। और इनमें से जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वह है उत्तर फाल्गुनी के आसपास, क्योंकि कभी कभी इसके कथ्य पे तथ्य पे भी प्रश्न पूछा जाता है, जो मैं आपको यहाँ पढ़ाने वाला हूँ। तो इन्होंने उत्तर फाल्गुनी से कहने का तात्पर्य क्या है यह एक बार देखते हैं। तो इन्होंने उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र को व्यक्ति के जीवन काल के परिप्रेक्ष्य में देखा है, और यह परिप्रेक्ष्य यह जीवन काल का कौन सा काल है इसके बारे में देखते हैं। तो इन्होंने 25 तक की वर्ष आयु जो है वह माना है कि इसमें जो होता है व्यक्ति मस्त रहता है, आप भी मस्त रहते होंगे। इसके बाद जो 25 से 30 है उसको स्ट्रेस रहता है, जिसमें काम क्रोध मोह में वह लीन रहता है। 30 से 40 में यानी उसकी जॉब 30 में लग जाती है, तो 30 से 40 में वह कर्मों का फल भोगता है, और 40 के बाद वृद्धावस्था की वजह से इंद्रियां क्षीण होने लगती हैं, और 40 के बाद की जो अवस्था है वह उत्तर फाल्गुनी उन्होंने कहा है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि कुबेरनाथ राय के निबंध उत्तर फाल्गुनी के आसपास से
उत्तर फाल्गुनी का अर्थ क्या लिया गया है, 40 के बाद की अवस्था, 20 के बाद की अवस्था, या मुक्त रूप में यह भी पूछा जा सकता है कि इनका विश्लेषण उन्होंने जीवन के परिपेक्ष में या उम्र काल को लेकर के किया है, या तीन अलग से ऑप्शन दे दिए जाएंगे। और यह शोध परक विषय था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। आपको निबंध पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछा जाएगा। तो आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं इसी तरह के रचनाकार के साथ 5 मिनट के वीडियो में। तब तक ध्यान रखें अपना। शुक्रिया।